समय के लिए लालकुआ से विपिन। ललितपुर के ग्राम तेरई फाटक में एक महिला तहसील स्थित एमडीएम कार्यालय के सामने एक प्लास्टिक की कुप्पी में किरोसिन तेल लेकर पहुंच गई। वो इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे आत्मदाह करने से रोक लिया। जब उससे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो महिला ने बताया कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बार बार पुलिस प्रशासन से शिकायत करने पर भी पुलिस दबंगों का निर्माण कार्य नहीं रुकवा रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन देकर घर भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और आप आगे भी खबरों के लिए जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पे। मुझे दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। यूपी के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है, मैं संजय मिश्र। जैसे जैसे पहले चरण की चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, हर एक राजनीतिक दल एकता की शक्ति दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहते। मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एकता दिखाते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये संकेत भी देने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं, क्योंकि बीते दिनों अमित शाह ने जाटलैंड के नेताओं से मुलाकात करने के बाद बातचीत में कहा था कि जयंत चौधरी हालांकि गलत घर में चले गए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा विपक्षी दलों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी में सुरक्षा लोगों को तभी मिल पाती है जब बीजेपी की सरकार होती है, ऐसा उनका कहना है। यानी अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर चारों ओर से वार पलटवार करने में जुटे हुए हैं। बेशक वादे दावे हर ओर से किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर भी चढ़ता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जिन्ना का मुद्दा उछाला है। इतना ही नहीं, सियासत में उस वक्त एक नया मोड़ भी सामने आ गया जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया है, ये मुजफ्फरनगर वो जाना चाहते हैं। खैर, कुछ देर बाद अखिलेश यादव दिल्ली से हेलीकॉप्टर के रास्ते रवाना भी हुए और वहां पहुंचे भी, लेकिन सियासत में बड़ी हलचल मचा दी गई। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता ने रोकने का फैसला 2014 से ही कर लिया है। नौटंकी बंद कीजिए, 10 मार्च को फैसला आ जाएगा, 11 मार्च को सैफई जाने की आप तैयारी कर लीजिए। हम अपने इस चुनावी चर्चा को आगे ले चले, इससे पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को, जिन्होंने एक दूसरे पर किस कदर हमला बोला। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी
समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे, किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हो, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो तीन कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया, लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंततः वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो तीन कानून क्यों लागू किए थे और तीन कानून क्यों वापस ले लिए, ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। तो एक तरफ तो गांव, गरीब, किसान, कल्याण और सरकार की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये है कि भाई आप किसान के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, आपने कुछ नहीं ऐसा किया, आप काला कानून लाते हैं और सबको सावधान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के द्वारा। कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में 11 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं और ये बड़ा ही अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहाँ की किसान एक बड़ा मुद्दा रहता है, और किसान की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ किसी एक जाति, वर्ग, समुदाय की बात नहीं होती है, पूरी बिरादरी एक है, यानी यहाँ पर किसान सभी वर्ग, सभी धर्म में होते हैं। ऐसे में किसान को एड्रेस करते हुए और जयंत चौधरी के साथ अपनी बात को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने कुल मिलाकर ये कह दिया कि ये सरकार किसी काम की नहीं है। दूसरा, बार बार विकास के साथ साथ रेड अलर्ट की बात बीजेपी कहती है, उनके बड़े नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपसे परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ खास मेहमान गौरव यादव जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से तन्मय शंकर हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है तन्मय जी। राम पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है राम जी। शौकत अली आरएलडी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है शौकत अली साहब। तो राम जी, पहले आपसे ही समझ लेते हैं, ये बहुत सारे शब्द और बहुत सारे वाण एक साथ चल रहे हैं और दोनों ओर से चल रहे हैं, और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे वार पलटवार भी तेज हो रहे हैं। कुल मिलाकर मुद्दा रोटी, कपड़ा, मकान, किसान, गरीब, रोजगार, नौजवान और साथ में रेड अलर्ट भी है, क्या दिख रहा है आपको? संजय जी, इस ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है जी, और इस पूरे परिदृश्य को दो तरीके से देखना चाहिए। पहला जो कारक है वो गठबंधन के आधार पर, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने गठबंधन किया, जैसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है। तो इसको अगर हम पिछले वाले चुनाव के साथ कंपेयर करें 2017 में, जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आई थी लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाई थी, अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आरएलडी का जो वोट परसेंट है और वो समाजवादी के साथ मिलकर के थोड़ा खतरा क्रिएट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति।
लेकिन अगर इनको हम दूसरे परिदृश्य में देखने की कोशिश करें मुद्दों के आधार पर, तो मुद्दों के आधार पर अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो एक चीज नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के ऊपर आधारित करना चाहती है। और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था में गांव में कुछ सुधार हुए हैं, गांव गांव तक पहुंचे हैं, जिसका फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए कई सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोग उसको एक महत्वपूर्ण कारक के तरीके से देख रहे हैं। ठीक सर, लेकिन हम आपके पास फिर आएंगे, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि हम मेहमानों को जोड़ना चाहते हैं। तो गौरव यादव जी, आपसे समझते हैं, चूंकि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अखिलेश जी और जयंत चौधरी ने मिलकर प्रेस को एड्रेस भी किया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो कुल मिलाकर जो बीजेपी का कहना है कि आपकी पार्टी एक रेड अलर्ट पार्टी है, जिसका प्रधानमंत्री ने बहुत पहले जिक्र किया था, तो आप क्यों इतना सपना देख रहे हैं उनके मुताबिक? आप ये देखिए कि भाजपा सरकार ने जो है डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को तय समय पे जो है भुगतान करेंगे, फसलों को समय पे खरीदा जाएगा। आज ये किसान नेता से मिल रहे हैं, जाट नेता से मिल रहे हैं। आप ये देखिए, जब किसान 13 महीने जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो ये जो है एक बार भी उनके पास ये बात तो कई बार आप लोग कह चुके हैं। इसके अलावा कुछ और बताइए ना कि आप किस तरीके से आपके दावे हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो बार बार कहती है कि आपका आना यानी रेड अलर्ट, आपका यदि सत्ता में वापसी आना यानी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगना, आपका आना यानी पाकिस्तान का साथ आना, बहुत सारी बातें बीजेपी कह रही है, जिन्ना बार बार जिंदा हो रहा है और वहाँ आप ही लोगों की ओर इशारा हो रहा है। बीजेपी जैसे ही चुनाव आती है ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे ये इसकी बात करती है, ये ना विकास की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, ना महंगाई की बात करती है। आज देखिए महंगाई कहाँ पे है, हमारे नौजवान जो है कितने बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, आप ये इसकी बात नहीं करती है। आज जो है ये आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का बिल्कुल सफाया होने जा रहा है, हम यहाँ बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया है। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए और जो है उनके बच्चे आज रोड पे हैं। इन्होंने 700 किसान के यहाँ जो है एक किसान के यहाँ भी जाके अगर ये 7 मिनट भी उनकी संतावना देते तो ये जो है ये सरकार जो है आज जब इलेक्शन का टाइम है तो ये किसानों की बात कर रहे हैं और उनके जो है नेताओं से। कुल मिलाकर आपका ये कहना है फिलहाल कि भाई आप किसान के खिलाफ हैं, आप महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, आपने रोजगार नहीं दिया इसके लिए आप पर सारे सवाल हैं और आपने विकास कार्य नहीं किए। तो तन्मय शंकर जी, फिर आपके दावे सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर यदि हो रहे हैं तो इतनी सारी बुनियादी मुद्दे यदि मुंह बाए खड़े हैं जो कि बार बार विपक्ष आपको उसी रास्ते पर घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो हैं आपके लिए। देखिए मैं अपनी बात को शुरुआत इस तरह करूंगा कि ये समाजवादी पार्टी हो या जो या कांग्रेस हो या जो भी बात रखते हैं, ये सब का सब व्हाट्सएप बेस्ड कंटेंट को ये बोलते हैं और व्हाट्सएप बेस्ड कंटेंट ही चला रहे हैं। ये ना तो डेटा देखते हैं ना फैक्ट देखते हैं, बस एक नैरेटिव, क्योंकि नैरेटिव चलाने से ही काम करते हैं तो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन किसान का मामला तो सब देख ही रहा है ना सर, पिछले एक वर्ष से सबके सामने किसान का मुद्दा है, नौजवानों के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, ये तो सब देख रहा है ना। 2 मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ, प्लीज, आपके पास पूरा वक्त है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो GGI की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग के इंडेक्स में आज यूपी सेकंड रैंक पे आता है। मैं आपको ये बात एक बेसिक, अगला GDP को देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो 11 लाख करोड़ की GDP थी, आज वो 21 लाख करोड़ की GDP हुई है। हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सेकंड रैंक करते हैं यूपी। तो ये सब तथ्य हैं जो कहा उसको करके दिखाया कि दावे को मजबूत करते हैं। आप कह दो कि साहब लोगों किसानों को ये नहीं हुआ, किसानों को वो नहीं हुआ, नौकरी नहीं है, आप दुनिया भर में चल रहा है, दुनिया भर में सब कुछ चल रहा है। आप देखिए तो सही, तीन कानून बनाए गए, तीनों कानून को समझाया गया, पूरा समय दिया गया, डिस्कशन हुआ और उसको बताया, पर एक एक इसी एजेंडे के तहत मैं उनको किसान नहीं बोलूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक एजेंडे के तहत कुछ लोग इकट्ठे होके
सिर्फ अनशन कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंड हो रहा है सब जानते हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक्सपोज किया, नेशनल मीडिया ने भी क्या बोले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद जो है माफी मांगने का काम किया कि हमने जो है तीन कानून अगर विकास नहीं मैं वापस करूंगा, अगर हम नौकरियां नहीं दे पाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सीजीआई की रिपोर्ट में सेकंड नहीं आते। सर देखिए मैं इनसे सवाल करने में सक्षम हूं, पूछ लेता हूं तो हम उसमें नहीं। भाई ये बताइए तन्मय जी, आप डाटा गिनाएंगे, आप आंकड़ों में बताएंगे, और आम जनमानस जो है आंकड़ों में उलझकर नहीं देखना चाहता है, वो धरती पर क्या हो रहा है या जमीनी सच्चाई क्या आप दे रहे हैं उसको लेकर एक आकलन कर रहा है। आखिर प्रयागराज में जो आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो क्या कहता है, वो किस ओर इशारा करता है, वो रोजगार की ओर इशारा करता है, और वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो कितनी आप उसकी निंदा करेंगे या उसके साथ चलेंगे आप? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए एक किसी जगह का आप एक समस्या हो सकती है, मैं समझ में आती है, पर मैं आपको देखिए मैं आपको बोलूं कि रात है आपको देने तो वो तो डिस्कशन चलता रहेगा, आप करते रहो, मैं आपको प्रूफ कैसे करूंगा, आपको दिखाऊंगा, तो कहीं तो हम ये बात को मानेंगे ना कि डेटा को मतलब किसी एक आधार को तो पकड़ेंगे, या हम सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा। तो आपका कहना है कि आपने किसानों के लिए बहुत किया, 2022 आ गया, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई क्या? तीन बिल्कुल मिशन चले हैं, पीएम किसान योजना के तहत डीबीटी से बैंक ट्रांसफर हुआ 6000 रुपए जिनको तीन किस्तों में मिला, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल लॉन्च की पीएम किसान मिशन योजना। सर अब उतना तो लंबी फेरिस देने का वक्त नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो किसानों की आप उनसे ये पूछिए किसानों की आय दुगनी हो गई, मैंने पूछा उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? मैं जरा आपके सहयोगी को शामिल कर लूं, शौकत अली साहब इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से और सुन भी रहे हैं सबकी बात। भाई आरएलडी किस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है शौकत अली, और आप ये बताएं कि आखिर बार बार ये बात क्यों कही जा रही है कि आप गलत घर में जा रहे हैं और आपका जो साथ है वो लंबा नहीं होगा, और इधर तो रेड अलर्ट है ही बीजेपी की तरफ से इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी पैनलिस्ट जो भी बैठे हुए हैं, मैं सबकी बात सुन रहा था। बीजेपी के पास में तीन हथियार हैं, झूठ, गुमराह, नफरत। इनके जो वादे होते हैं वो केवल भाषणों में और कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। इन्होंने वादा किया था बीजेपी सरकार की बात करूंगा, मैं माननीय मोदी जी के बारे में नहीं कहूंगा कुछ भी, बीजेपी सरकार किया था 2022 में जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, किसानों की आय दुगनी होने के बजाय आधी रह गई है, और जो किसान लगभग पशुओं से जिनको आवारा बना दिया है उन पशुओं से लगभग 35% के करीब जो है इनसे लाभ लेता था, लेकिन किसानों की ड्यूटी लगा दी गई है 24 घंटे अपनी फसल को रखाओ, अगर किसान उस आवारा पशु में कोई डंडी मार दे वे या कोई हल्की फुल्की चोट कर दे तो उसमें संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अब रही बात इस चीज की कि अभी हमारे सम्मानित साथी ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा था कि वो किसान नहीं थे, तो अगर किसान नहीं थे तो हमारे माननीय मोदी जी ने उनसे माफी क्यों मांगी, और अब हमारे माननीय जयंत जी चौधरी जी से कह रहे हैं कि भी आप जो है गलत घर में चले गए, वापसी आ जाए। तो हमारे जो माननीय जयंत चौधरी जी हैं जिनके पास में हमारी पार्टी के पास ना तो कोई सांसद है, ना ही विधायक है, ना कोई और किसी सम्मानित पद पर हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, सरकार की भागीदारी में नहीं है, उनको पूरी तरीका से डर सता रहा है कि भाई अब जो है ये किसान यानी कि माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी दोनों ही युवा हैं और दोनों ही किसानों की बात करते हैं, तो ये तो हमारी जो पूरी तरीका से सरकार को 2022 के जो चुनाव जो 10 मार्च को होने वाला है उसमें हमारी सरकार पलट जाएगी, तो अब इस तरीका के इनके झूठ गुमराह के जो नफरत है उस तरीका के ये बयानबाजी करते हैं। रहा सवाल इस चीज का कि जो ये वादे करते हैं, भाजपा सरकार जो वादे करती है उन वादों में कहीं तलक भी खरा नहीं उतरा है, चाहे अब प्रयागराज की बात करें, चाहे हम कितने सारे जो पेपर लीक होते हैं, इनकी पार्टी है लीक पार्टी। अब इस लीक पार्टी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतवासी भाई भाई जो पुराना नारा था जय जवान जय किसान का जो नारा था जो हमारे अन्नदाता थे देश के, उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है, और बीजेपी को जो है सत्ता जाने का डर सता रहा है। ये तो आपकी चाहत है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हर दल अपने अपने बारे में यही कहते हैं कि उनके जाने का टाइम आ गया है उनके और हमारे आने का टाइम आ गया, ये तो वक्त ही बताएगा।
और जनता जनार्दन के मिजाज को हम पर छोड़ देते हैं कि वो 10 तारीख को वो क्या उनका फैसला होगा और फिर उस तरीके से फिर आकलन करेंगे बाद में। तो खैर, राम पांडे जी ये बताएं कि क्या हम माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण के चुनाव होने हैं वहाँ पर किसान, नौजवान, रोजगार, इस पर चुनाव होंगे, या फिर जिस तरीके से रेड अलर्ट की बात बार बार की जा रही है, जिन्ना को बार बार लाया जा रहा है, और जिस तरीके से पटेल के पुजारी ये लोग बता रहे हैं अपने आप को, और जिस तरीके से एक अस्मिता की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, जिसमें सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वर्तमान सरकार में, तो क्या इनके इर्द गिर्द ही चुनाव होंगे या फिर मुख्यतया किसान बोलेगा और किसान ही तय करेगा? कि जो मुद्दों को जिनका आपने जिक्र किया ये बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाले हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं उन वो ये जानते हैं कि लोग चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर बातें करते हैं, रोजगार की बातें बहुत सारी करते हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आते हैं, लेकिन जाति और धर्म का जो रोल है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही गहरा है। इसीलिए ये चुनाव अलग तरीके से महत्वपूर्ण हो रहा है। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण जबरदस्त हुआ था जिसका फायदा बीजेपी को मिला था, इस बार ध्रुवीकरण उस तरीके का नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उस मजबूती के साथ नहीं लड़ रही चुनाव में, ऐसा दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि ये भी एक बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तीसरी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप मुद्दों की बात, आपकी इस सवाल को ही ठीक से जवाब बन रहा है कि 4 साल तक कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नजर आया, लेकिन अभी चुनाव के समय पर कांग्रेस जो है उस तरीके से उसका कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तो मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है उतने जितने की जाति, धर्म और ये सारी चीजें। तो इस मुद्दे महत्वपूर्ण है लेकिन उसके उसका प्रभाव थोड़ा दूर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको रोकते हुए एक सवाल आपसे कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री, कि यदि मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं है तो इसका मतलब है कि ध्रुवीकरण की ओर यदि मामला जाएगा तो फिर क्या वो रोजगार के मुद्दे ठंडे बस्ते में, किसान के मुद्दे ठंडे बस्ते में, और फिर बाकी और भी जो अहम मुद्दे महंगाई हैं उसका कोई रोल नहीं होगा इस चुनाव में? लोग बातें कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका रोल नहीं होगा, लेकिन इसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना धर्म और जाति का होगा, जितना ध्रुवीकरण का होने वाला। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप बताइए गौरव जी, क्या यदि ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो बीते समय का इतिहास देखा गया है उससे इनकार नहीं किया गया है, लहरों का निमंत्रण होता है और फिर ऐसे में बीजेपी को पिछली बार जिस तरीके से मैंडेट मिला उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तो विकास की बात सिर्फ कहने को हो रही है क्या? नहीं, लोग समझ चुके हैं सरकार को, और जो है जिस किसान ने इनको सत्ता पे बैठाने का काम किया और उसी किसान को इन्होंने छलने का काम किया, उसके लिए इन्होंने कीले ठुकवाई और इनके वजह से 700 किसान जो है शहीद हो गए उनके घर पर। ये तो आप कह रहे हैं ठीक है, वो सारी बातें सही है, लेकिन लोग इनके जो है इनके सारे चीजों को समझ चुके हैं। ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बांटने का काम करके सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। किसान, नौजवान सब लोगों ने इनकी सारी चीजों को समझ के इस बार जो है वोट के चोट से इनका सफाया पूरे उत्तर प्रदेश में करने का काम ठीक करेंगे। सर, तन्मय शंकर जी, क्या लगता है, धर्म बोलेगा, जाति बोलेगी, रोजगार बोलेगा, विकास बोलेगा या विकास पर सवाल बोलेगा, किसान बोलेगा या फिर ध्रुवीकरण ही ध्रुवीकरण? संजय जी देखिए, 5 साल में भाजपा ने कार्य किए हैं, विकास के काम किए हैं और जो देश की और प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं उसी पे ही बोलेंगे हम, तो उसी बोलेंगे। अपोजिशन कुछ भी बोल सकता है, बिल्कुल, वो तो कुछ भी और हमेशा ही कुछ भी बोले हैं। जैसे आज अभी तो कहां पीछे हटते हैं आप, तो जिन्ना जिन्ना बार बार कर ही रहे हैं सर। नहीं नहीं, वो तो जिन्ना वो तो खुद लेके आए थे ना, बिल्कुल वो लेके आज भी आप जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत किसने की थी?
शुरुआत से क्या मतलब है, आपने उसको हवा क्यों दी? संजय जी वो लेके आए, हम तो जवाब दे रहे हैं ना। अब आप देखिए ना, आज भी यही हुआ। सर एक बार जवाब दे दीजिए, काफी नहीं था क्या? बार बार जिन्ना का जिक्र करना जरूरी है क्या? संजय मिश्रा जी एक सवाल आपने देखा होगा, अखिलेश जी पूरी हो जाए आप पूछ लीजिएगा। मेरे को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, आपने ट्वीट देखा था, उसका फोटो देखा था आपने? बड़े स्टाइल से फोटो खड़े हुए, जैसे प्लेन के सामने कोई बंदा फोटो खिंचवा रहा है, और बाद में उसको एकदम से जाने दिया। अगर सरकार को रोकना था तो फिर जाने को दे दी और पहुंच गए। मतलब अगर कोई मौसम की समस्या है या कोई भी टेक्निकल इश्यू है, उसको आप डाल दो तुरंत। मतलब हर चीज पर राजनीति कर रहे हैं, हर 5 मिनट पर राजनीति देखी जाती है, क्योंकि मुद्दा असली मुद्दा नहीं है। आप बताइए ना, आप क्या करोगे? आप ये बताओ ना, आप क्या करने वाले हो? आप किस जनता को क्यों वोट देगी? ये तो बता रहे हैं ना, इनके आज बहुत सारी बातें गिनाई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। सर अपराधियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी, रोजगार की बात उन्होंने की, किसानों की बात की, बिजली की बात की, सारी बात की। आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने बात नहीं की? संजय जी अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और रेस्टोरेंट में देखा टिकट कैसे बटी है, आरएलडी को क्या मिला सबको दिख रहा है, हर आदमी देख रहा है, और कैसे लोगों को टिकट दिए ये सबके सामने है। आप जो कुछ पूछना चाहते थे आप पूछ लीजिए। आप ये अपराधियों की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप बताओ कि इनके गृहराज मंत्री के बेटे ने जो है किसानों को कुचलने का काम किया, अब पंचायत चुनाव में देखिए किस तरह जो है एक औरत की साड़ी को खींचा जा रहा था, हमारे जो है बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अभी बुलंदशहर की घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एक जो है बाली के साथ दुष्कर्म हुआ। आप ये बता दीजिए, जब आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, जो है उनका तहरीर में नाम है, आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जो बुलंदशहर की लड़की की विरोधी परिवार की आप जो है बात करते हैं, जो है गरीबों की, इस पे क्यों नहीं बात कर लेते आप? आप आजम खान को देख, आजम खान का देख रहे हैं ना क्या उन्होंने? नहीं, आप जो है अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त देख रहे क्या किया गया जो है, जबकि बच्चा बच्चा जानता है नाम है, वो गृह राज मंत्री बने बैठे हैं। अब आप आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब सुन लीजिए जल्दी, बताइए सर, समय कम है। तन्मय जी जवाब दीजिए ना, गौरव जी की आपके यहाँ इतने जो आप पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए जो है, जवाब दीजिए। मैं तो आप दीजिए ना, आप तो बहुत, आप जो कह रहे हैं कि आप तो रामराज ले आए थे पिछले 5 साल में, तो आप टिकट क्यों बांट रहे हैं? गृहराज मंत्री टिकट दे रहे हैं आप, एक जो है दोषी देश का। मैं समझ गया सर, हर दल की अपनी व्यवस्था होती है कि बहुत सारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ उन परिस्थितियों को। लेकिन सवाल ये है शौकत अली, क्या ध्रुवीकरण की ओर चुनाव को आप देख पा रहे हैं? देखिए मैं तो केवल यही कहूंगा कि अब जो है जो युवा है या जनता है या देश की हो या प्रदेश हो, सब ये देख रहे हैं कि हमें चाहिए रोजगार, महंगाई से निजात, संपन्नता पूरी तरीका से चाहिए। यानी मैं यही कहूंगा कि हम सब करें आपस में, प्यार तरक्की हो जाएगी। झूठ गुमराह नफरत तो वह चीज है, इंसान तो क्या पत्थर को भी खा जाएगी, वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं जनता के। जनता जातिवाद में बिल्कुल नहीं जाएगी। अब भले ही बीजेपी वाले कितने जिन्ना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या कोई दूसरी बात करें, आरोप जो है बीजेपी वाले विपक्ष पे लगाते हैं, लेकिन सत्ता में जो बैठी सरकार है, चाहे केंद्र में सांसद बैठे हुए हों या इनके मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका। लेकिन वो तो बार बार ये भी अपने विकास की गाथा भी गाते हैं, उसका जिक्र आप नहीं करते हैं जी? बार बार योगी आदित्यनाथ तो अपने विकास की गाथा भी सुनाते हैं। तो विकास तो मैंने बोला था ना कि बीजेपी के पास में 3 हथियार हैं, झूठ गुमराह नफरत, इनके जो है कागजों में और भाषणों में ही वादे होते हैं, खैर तो कुछ नहीं दिखाई देता। आपका लास्ट कमेंट राम पांडे जी, क्या लगता है आपको जो बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धर्म की ओर, ध्रुवीकरण की ओर, जाति की ओर चुनाव जैसे नजदीक आएगा उस ओर जाता हुआ दिखेगा, तो क्या ये सब एजेंडे पर सिर्फ चर्चा करने के लिए रह गए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो नगण्य कर दिया जाए। जैसे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है और वो लोग निर्णायक रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने के साथ जो प्रशासन बना कि वो भले उन्होंने बहुत सारे काम किए हों, लेकिन ये प्रशासन बना कि उन्होंने उस केस को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, तो पूरी तरीके से नगण्य करना तो मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। लेकिन जो बाकी महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे बीएसपी का रोल है, कांग्रेस का रोल है, और ये अलग अलग लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें
मुद्दों को के वोट का जो परसेंटेज 1-2% है आगे पीछे हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए सफिशियंट है। तो कुल मिलाकर के जो परिणाम है उसमें कितना अंतर आएगा यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत शुक्रिया राम जी, समय कम है, हम आपको रोक रहे हैं, माफी चाहूंगा। लेकिन निचोड़ यह है कि मुद्दे तो सारे रहेंगे, बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, मुद्दे सारे रहेंगे इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये, 22 करोड़ की आबादी है, ऐसे में रोजगार एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, ये कोविड काल का समय रहा है और अभी भी चल ही रहा है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे हैं जिन कारणों से लोगों की परेशानियाँ भी बहुत बढ़ी हैं, आमदनी घटी है लोगों की, और ये भी एक लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन इससे इनकार आप कतई नहीं कर सकते हैं कि हर चुनाव में जाति बोलती है, धर्म चिल्लाता है, ध्रुवीकरण की ओर भी जाता हुआ ये चुनाव हो सकता है, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण की ओर जाता हुआ इसलिए आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि और भी सारे मुद्दे हैं। हाँ, सरकार ने अपने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, उसको भी बार बार गिना रही है सरकार, उसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बार बार जोर दे रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया है। चलिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, सहारा पड़ा।